नैना लड़के लड़े रह गए, नैना लड़के लड़े रह गए, नैना लड़के लड़े रह गए। आवारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। थैंक यू वेरी मच। क्या प्लान है आज के स्पेशल? किस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं? आज मेरे बहुत सारे दोस्त आए हैं, मुझे आसमान में लेके जाने वाले हैं। यू कैन सी दिस, ये सारे मेरे बर्ड्स हैं ना, ये सब इनके साथ में उड़ने वाला हूँ आज। मुस्कान की तरफ से तो आई गेस ऑलरेडी एक गिफ्ट मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने भी अपना अपने कदम रख दिए हैं बॉलीवुड में। हमारा सॉन्ग आया है, तो क्या लगता है इस साल का बेस्ट गिफ्ट होगा मुस्कान की तरफ से ये? एक्चुअली यू आर 100% करेक्ट कि इस साल का बहुत बड़ा गिफ्ट है ये, बिकॉज मुस्कान माई स्टूडेंट आवर डॉटर who's really worked hard, and this is the first time, I mean, she's coming in front of you all, and I really don't want to talk much about her. ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, because उसका, जैसे कि आप जानते हैं कि साजिद वाजिद का काम बात करता है, साजिद वाजिद ज़्यादा बात नहीं करते, वैसे ही I have taught her कि बेटा अपना काम से लोग बागों से रिलेट करो, ना ही कि get into the awe of this thing. And ये पहली शुरुआत है, I think she's entered the danger zone. वो सब लोग को उस जोन में घुसना होता है, बट आई थिंक शी इज़ एंटर्ड दैट डेंजर जोन। अब वो अपना करियर खुद बनाएगी और खुद उसको चलेगी, एंड आई थिंक शी इज़ आवर डॉटर एंड शी विल मेक अवर मार्क बाय हरसेल्फ। वी डोंट नीड टू प्रेज हर और समथिंग, एंड शी इज़ पावरफुल, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हर के उसमें एक आदत सी बन गई है, वो रोज़ सुबह उठ के अपना प्रैक्टिस करती है। रोज़ सुबह उठ के व्हेनेवर आई गेट अप, मैं जब भी उठ के बाहर निकलता हूँ तो आई कैन हियर द पियानो going on, so it's a good sign. I feel के सबके बच्चे अगर इस तरीके से मेहनत करेंगे तो उनको वो भी रास आएगा। So I think if she's doing it, तो that's why she's getting it. मैंने कुछ किया नहीं है इसमें। मेरी शक्ल और गौर से देखो, मैं तुम्हें नर्वस कभी भी दिखता हूँ? आई एम नॉट नर्वस, आई एम वेरी प्राउड, एंड आई न्यू इट कि मेरी औलाद है ये, शी विल स्ट्राइक इट। बट द थिंग इज, पता नहीं कौन सा गाना आके आपको कहीं पे भी सरप्राइज कर देता है, आपका इम्तिहान ले लेता है, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन शी हैज़ फादर लाइक हर, शी इज़ गॉट लॉट ऑफ कजिन्स, लॉट ऑफ चाचाज, मामाज हु आर इनटू म्यूजिक, and at the same time she's got Salman bhai who supported her and who believed in her and who gave her and who told ke tell Muskan to welcome into Davantri. So yes, of course wo ek peedi ke baad ek dusri peedi jod rahi hai, so it's a beautiful thing I think. Aur ye log agar mehnat karenge aur sabse sahi se chalenge to I think koi badi baat nahi hai, she will do it. Muskan, it's been आपने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए होंगे डैड को, बट बिसाइड्स दिस सॉन्ग, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम योर साइड व्हिच यू हैव गिफ्टेड हिम? बिसाइड्स दिस सॉन्ग, या नो, आई स्टिल हैव टू गो शॉपिंग, स्टिल हैव टू बाय हिम गिफ्ट्स, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। एनीथिंग, एनी टारगेट और एनीथिंग लाइक यू वांट स्पेसिफिकली दैट, या आई वांट टू गिव हिम, यू हैव डिसाइडेड समथिंग इन योर माइंड? Maybe give him his first award, because he had told me once, ki jis din you get your first award, it will be mine. So maybe I have to work very hard for that. She was telling me one day, well, daddy, you're a very lucky guy, because you've got so many awards and all this thing. I said, these awards are not mine awards. I said, these are my father's award, who taught me to be at this stage. And this is, all these achievements is his achievement, which I got it for him. The day you will get an award, that will be my award. So that's what she's talking about, okay? Her first so I award. Have to give him his first award. okay, साजिद सर, आपने ये भी देखा कि आप हर साल अपने बर्थडे के साथ आपके मम्मी का भी बर्थडे बनाते हैं साथ में अपने, ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्या थिंकिंग है जो आप हर साल आप दोनों एक साथ बनाते हैं? एक्चुअली चक्कर क्या हुआ, मैं कभी भी अपना बर्थडे बनाता नहीं, मगर एक टाइम मैं हमेशा अपने बर्थडे पे बाहर निकल जाता था और ट्रैवल करता था, अकेला चला जाता था, बताता नहीं था। दैट वाज माय फन टाइम, दैट वाज माय टाइम जब मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता था, डिस्कवर करता था, लोग बागों से मिलता था कि यार हम इनकी ज़िंदगी में इतना प्रभाव रखे, ये हमें जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सो इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंड, वन फाइन डे मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरे घर वालों ने पार्टी रख दी,
एंड मैं बैठ गया केक काटने के लिए बैठ गया एंड बहुत सारा क्राउड था और उस बहुत सारे क्राउड के अंदर मेरी मॉम भी खड़ी हुई थी एंड क्राउड के अंदर मेरी मॉम ऐसी लग रही थी कि शी वॉज वन ऑफ द क्राउड एंड शी इज़ ऑल्सो क्लैपिंग फॉर मी एंड यू नो सिंगिंग हैप्पी बर्थडे फॉर मी एंड आई जस्ट लुक्ड इट अप एंड आई रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम के यू नो माई मदर हु केप्ट मी फॉर 9 months इन आर स्टमक एंड आई वॉज दैट व्हाट यू कॉल सर्जरी किड यू नो तो शी वेंट थ्रू सो मेनी थिंग्स जस्ट टू गिव मी अ बर्थ एंड टुडे आई वॉज बॉर्न एंड पीपल एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग मी नोबडी इज सेलिब्रेटिंग हर Nobody is giving that importance that what she went through, how much pain she went through to, you know, to for a stud like me. So I realized my mother was, you know, doing like this and her, that motherly eyes were looking. So I just looked at her and I said, this concept is not a good concept. I said, this is the concept. So I called my mother. I said, from today onward, you will always cut this cake. And I will celebrate my birthday if you cut the cake because it's your birthday too. I mean, after so much of pain and labor, I mean, people say that ek aurat jab bacche ko deliver karti, so she goes through death and, you know. So my mother did so many things and everybody comes, they buy a gift for me. Even my mother buys gift for me. And nobody, you know, wishes her, nobody does. So I decided, Kiran, I mean, it's my mom's birthday. So I like it that way. And I think it's a good message to the world. Okay, well, sir, Davantri ke to songs ko bahut hi pasand kar rahe hain, but ek iske sath aur ek new concept hai ki audio pehle release kar diya gaya hai, uske baad video. To iske bare mein kuch aapki thinking thi ya Salman sir ki thinking thi? Actually, is बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है बट हर चीज़ की थिंकिंग सलमान भाई येस या नो करते हैं ही टेक्स दैट काइंड ऑफ अ डिसीजन एंड ही इज़ माशाल्लाह से वेरी टैलेंटेड एंड वेरी म्यूजिकल मैन एंड जो अपने म्यूज़िक को और अपनी फिल्मों के म्यूज़िक को और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से अपने एडवाइस में डिफाइन करते हैं तो जहाँ तक कि हमें पता है कि दिस कॉल को लेके बहुत सारे लोग डाइसी हो गए थे कि नहीं यार गाना पिट जाएगा ड्रॉप हो जाएगा ये हो जाएगा ही हर्ड लॉट ऑफ पीपल एंड ही जस्ट स्माइल्ड एट एवरीथिंग सेइंग दिस इज़ व्हाट आई वांट And I think this will work. This idea will really work. And I said, if you think that this idea will really work, I think let's go for it. And हमको हमारे गानों के ऊपर confidence था. It's not that हम कुछ सलमान भाई कुछ बकवास चीज़ डाल रहे हैं without support. सलमान भाई knew कि गानों में क्या है. We knew कि ये गाने क्या चीज़ हैं. ये गाने जब audio track भी निकलेगा तो ये अपना मुकाम बना लेंगे. And I think it's a fantastic strategy and it's a fantastic thing. और सोने पे सुहागा बोलते हैं ना दो दो दबंग का म्यूज़िक बहुत ही बड़ा पावरफुल हो चुका है तो तीसरे म्यूज़िक के लिए मेरे ख्याल से इस तरीके से टीज करना है सब बहुत अच्छी बात है Actually, I am very, very, very thankful. No, don't get into that. You don't have to cry, baby. It's okay. Actually, Dabang second ke andar, my father tried her voice, you know, when she was a baby. And ye ga nahi paayi, toh main hans ke nikal gaya wahan se. Toh papa aur ye dono rone lage studio ke andar. And today my father is not there and she sang on Dabang 3. So it's a very special moment between me, my father and her. सो इट्स अ ग्रेट थिंग और ये अभी थोड़ा सा नर्वस है ये अभी उतनी अच्छी सिंगर नहीं बनी है कि आपके कहने के ऊपर हो जाए बट ये सबको शी विल प्रैक्टिस एंड शी विल शो हाय 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 ओके सो सबसे पहले तो आज साजिद सर का बर्थडे है तो उनके इस खास दिन के लिए क्या विश देना चाहेंगे उस उनके लिए वो बताएंगे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो लाइफ में जितने फुल ऑफ लाइफ अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो वैसे ही रहें और हमेशा हेल्दी रहें सेहतमंद रहें और जिस अंदाज से वो अपनी लाइफ जीते हैं एकदम बिंदास होके मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह करे वो हमेशा ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहें और उनकी ज़िंदगी में हमेशा बहुत सारी खुशियाँ आएँ ओके सर इसके साथ में यू नो अपने कोई खास ऐसा काम जो आपको ऐसा लगता है जो हम लोगों उन्होंने किया था और जो हमेशा से आपको याद रहने वाला है वो कौन सा सॉन्ग होगा मेरे लिए देखिए मैंने साजिद भाई वाजिद भाई के लिए तकरीबन 5-6 गाने रिकॉर्ड किए हैं और उनमें से सारे के सारे गाने वो सुपर हिट हैं चाहे वो गलत बात है गाना हो चाहे वो दावत इश्क हो चाहे वो नैना लड़े के लड़े रह गए गाना हो चाहे वो तेरा इश्क बड़ा तीखा कोई भी गाना ले लीजिए आप तो उनके साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम मेरी लाइफ का हुआ है और मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ स्पेशली जो अभी गाना रिलीज़ हुआ है नैना लड़े के लड़े रह गए ये बहुत ही स्पेशल गाना मेरे लिए इसलिए है क्योंकि सलमान भाई के लिए ये गाना मैंने पहली बार गाया है हालांकि मैं
बजरंगी भाईजान में उनके लिए गा चुका हूँ, ट्यूबलाइट में गा चुका हूँ, लेकिन ये गाना इसलिए स्पेशल क्योंकि दबंग सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट गाना मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि नैना का जो गाना होता है वो बहुत ही ख़ास होता है। तो ये गाना इस बार नैना का जो गाना वो मुझे गाने का मौका मिला, एंड थैंक यू सो मच साजिद भाई वाजिद भाई के इतना ब्यूटीफुल गाना बनाया आपने और मुझसे गवाया। ओके, साजिद सर की कौन सी ऐसी एक बात है जो उनको सबसे अलग बनाती है? मुझे लगता है उनकी जो मस्ती है, उनकी जो बातें हैं, वो मैं समझता हूँ वैसा कोई नहीं है। अपनी लाइफ को वो बहुत ही बिंदास तरीके से जीते हैं, कोई कोई हेडेक नहीं लेते हैं, बहुत ही कूल हैं वो, बहुत ज़्यादा वो बात उनको सबसे अलग रखती है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो बहुत वर्कहॉलिक हैं और वर्क का बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं लेते, प्रेशर भी नहीं लेते, बिंदास इजी गो वे में काम करते हैं। तो मैं ये बात मुझे बहुत सीखने वाली बात है और मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस होता हूँ उनकी। कोई गाना जो उनकी खास दिन पर डेडिकेट करना चाहेंगे? ओके, मेरा यही गाना जो दबंग 3 का गाना है वो मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने हमेशा वाजिद भाई के साथ में हम वॉइस डबिंग जब करते हैं तो हमेशा वाजिद भाई ने मेरी वॉइस डबिंग कराई है, लेकिन साजिद भाई ने पहली दफ़ा ये गाना डब कराया। नैना लड़के लड़े रह गए, नैना लड़के लड़े रह गए, नैना लड़के लड़े रह गए। सो इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? इसके अलावा मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना फिल्म पानीपत आ रही है, उसमें भी बहुत ही खूबसूरत गाना मैंने गाया है। इसके अलावा भट्ट साहब के लिए कुछ गाने रिलीज होंगे, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द सॉन्ग्स। एंड इसके अलावा मेरा कोई एक सिंगल भी आ रहा है टी सीरीज से, तेरी हाजिरी, वो भी नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। चलो जय, इसकी